तो गाइस अभी सुबह सुबह हम लोग जग चुके हैं और सुबह का फिलहाल सुबह का बज रहा है 8, जगने वाले थे 5 ही बजे, लेकिन हाँ फिर से सो गए। लेकिन अभी आप लोगों को मौसम दिखाते हैं, इतना ज्यादा मतलब रात भर सोने नहीं दिया, अभी तक बारिश हो ही रहा है भाई। गर्मी रहता ना पक्का नहाते भाई, पानी भी ठंडा और ऊपर से बारिश भी हो रहा है, ठंड भी लग रहा है भाई, क्या ही बताओ। और यहाँ हमारे फोटोग्राफर साहब, तो भाई यहाँ पहाड़ पे देखिए रेलवे स्टेशन कितना मस्त है भाई साहब, दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन भाई। अभी रुके हैं, मतलब एक लोकेशन भाई दिखाते हैं, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है भाई, क्या ही बताए भाई, व्यू देखो आप लोग भाई साहब। भाई आ चुका है अपना खाना, चावल दाल आलू का चिप्स भाई साहब, दार्जिलिंग के पहाड़ पे भी ट्रेन चल रहा है भाई, यहाँ ट्रेन भाई पीछे, मतलब ये भाई अंग्रेज जमाना का ही बना हुआ है ट्रेन भाई साहब, पहाड़ पे ट्रेन चल रहा है वो भाई। भाई हम भी लोग घूमेंगे भाई साहब, कितना मजा आता होगा इस पे बीच रोड पे, मतलब जहाँ मन तहा, मतलब इसका रूट बना हुआ है, किधर से भी चले जाता है इधर से, मतलब जहाँ मन तहा क्रॉसिंग। ओ भाई साहब, भाई साहब कितना मजा आता होगा इसमें भाई। मात्र कितना छोटा पटरी है भाई, पटरी देखो कितना छोटा है, क्रॉसिंग जहाँ मन तहा रोड का इधर उधर इधर उधर कहीं पे, मतलब डायरेक्ट एक स्टेशन पे स्टॉप है, उसके बाद मतलब कुछ रोड पे इसका क्रॉसिंग है जहाँ मन तहा। लेकिन भाई मस्त लग रहा था देखने में भाई, 20 का स्पीड में ट्रेन चलता है भाई भाई, लेकिन मजा बहुत आया भाई देखने में भाई, पहाड़ पे ट्रेन चल रहा है भाई साहब, इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है हमारा इंडिया, अब 2-3 किलोमीटर के अंदर हम लोग दार्जिलिंग पहुंचने वाले हैं। मौसम तो बहुत भाई, ये रूट देखो ट्रेन का भाई, कितना छोटा रूट है भाई, दो बोगी है बस, 20 से 50 आदमी के आसपास बैठ सकते हैं, 100 आदमी भाई, हम भी लोग बैठेंगे भाई, आज ट्राई करेंगे एक बार भाई। सबसे ज़्यादा मस्त तो भाई, हम लोग होटल वोटल ले चुके हैं और गाड़ी भी पार्क कर दिए हैं, और हम लोग जो होटल में थे उसमें खाने वाने का व्यवस्था नहीं था, तो फिलहाल ऑर्डर दिए उसी के बगल वाला होटल में, और थोड़ा इधर निकले हैं घूमने के लिए भाई। ओस देख लो अभी कितना, अब व्यू तो भाई क्या ही बता, इधर सिर्फ होटल ही होटल है और ओस इतना ज़्यादा है। अभी फिलहाल चलते हैं इधर घूम लेते हैं थोड़ा सा रात का व्यू, और फिर उसके बाद जाएंगे होटल, खाना वगैरह खाएंगे, और उसके बाद फिर सोएंगे, और फिर सुबह निकलेंगे, सुबह का सनराइज़ देखेंगे भाई, यहाँ का सनराइज़ मतलब सुनने में बहुत मस्त होता है, तो चलेंगे सुबह सनराइज़ देखने, और आप लोग को भी दिखाएंगे पूरा ब्लॉग के माध्यम से। मौसम देख लो भाई, पूरा ओस चल रहा है इधर, इतना ज़्यादा ओस है भाई, पूरा ओस ही ओस है भाई साहब, पहाड़ अभी लगभग हम लोग 1000 फीट ऊपर होंगे भाई पहाड़ के। भाई हम लोग को फाइनली मतलब होटल तो ले लिए थे, और अभी घूम फिर करके अभी आए हैं, राजा नीचे बैठा हुआ, मतलब खाना जो ऑर्डर दिए थे वो आ रहा, और जा रहे हैं अभी अपना रूम, रूम नंबर 109, तो अपना रूम है ये डबल बेड, कुछ ऐसा है अपना रूम, खाना पीना का ऑर्डर दे दिया अभी खाइए, तो ये है अपना रूम। और ये बाथरूम वगैरह इधर से मतलब विंडो, तो चलते नीचे खाना खाने। तो भाई हम लोगों का खाना आ चुका है, डिनर रात का, और डिनर कुछ ऐसा है अभी फिलहाल, रोटी है, चिकन है, चावल है,
और भाई कंठ तक चावल है, मतलब अंडा तो अभी खा ही रहे थे, मतलब वहाँ नाश्ता करने गए थे, थोड़ा देर भूख लगा हुआ था, 10 अंडा खा लिए हम लोग, 10 को गिन के, और एक अंडा का दाम 20, एक अंडा का दाम 20 रुपया, 10 अंडा। हाँ और कुछ नहीं। तो अब अभी खाना खा रहे हैं, सादा खाना खा रहे हैं और चिकन भी खाएंगे और फिर जाएंगे अपना रूम दिखाएंगे आप लोगों को, कैसा रूम है जो लिए हैं, फिर सुबह निकलेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, इसके बाद गेम खेलेंगे पबजी खेलेंगे भी नहीं भी, और सुबह का व्यू दिखाएंगे आप लोगों को कैसा है। तो खाना फिलहाल कुछ ऐसा है, अच्छा ही खाना है, सस्ता में अच्छा है भाई, और ये पहाड़ी खाना है, मज़ा आ रहा है खाने में, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया भाई। लोग अब खाना वगैरह पूरा कंठ तक खा लिया सब आदमी, और अब चलते अपना रूम दिखाते हैं आप लोगों को कैसा अपना रूम भाई। बाहर बाहर बहुत बारिश हो रहा है, ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा है बाहर, सुबह बस मौसम फ्रेश कर दे कैसे भी, तो अभी बाहर का व्यू दिखा पाएंगे आप लोगों को। खाना तो इतना कंठ तक हो गया कि आप सोएंगे तो कब जगेंगे, 8 बजे 10 बजे पता नहीं, लेकिन इधर इधर लेफ्ट भाई भाई। हाँ रूम नंबर 108 109, अब सीधा चलते हैं 109 में। तो भाई कुछ ऐसा है हम लोगों का रूम, ओ भाई देख लो, तो ये है हम लोगों का पहाड़ पर का होटल भाई, 5-6 फ्लोर है इस पर, एक बेड इधर एक बेड इधर, डबल बेड रूम लिए थे, और अब सीधा सुबह आप लोगों को व्यू दिखाते हैं, अभी गुड नाइट बाय बाय। तो गाइस अभी सुबह सुबह हम लोग जग चुके हैं, और सुबह का फिलहाल सुबह का बज रहा है 8, जगने वाले थे 5 ही बजे, लेकिन सो गए लेकिन अभी आप लोगों को मौसम दिखाते हैं, इतना ज्यादा मतलब रात भर सोने नहीं दिया, अभी तक बारिश हो ही रहा है भाई साहब, सोचे 5 बजे जग के सनराइज दिखाएंगे, यहाँ आप लोगों को बारिश दिखाना पड़ रहा है भाई, पूरा अभी तक बारिश हो ही रहा है, मतलब 8 बजे रात से सुबह का 8 बजे, मतलब 12 घंटा हो गया है, 12 घंटा हो गया, अभी तक बारिश ही हो रहा है भाई। अब सोचिए एक ही जगह जाना है, मतलब टाइगर हिल यहाँ का नामी गामी है, अगर जा पाएंगे बारिश अगर नहीं हुआ तो टाइगर हिल जाना बस एक ही जगह सोचते हैं, अब टाइगर हिल जाएंगे ना तो सोचे थे बहुत जगह जाना है, बारिश हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, बारिश में तो और कहीं जा नहीं सकते, एक दो जगह तो कम से कम घूमना है ना, लेकिन कंबल में सोने में मजा आ रहा है तो वहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, लेकिन गर्म लगता है, लेकिन तो फिलहाल अभी जाना है टाइगर हिल, अगर मौसम फ्रेश किया तो, वरना फिर सीधा सिल्लीगुड़ी होते हुए घर, तब तक के लिए बाय। तो भाई भाई अभी हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं, हम लोगों का चाय आ चुका है, चाय के साथ सोचे कुछ हो जाए तो मजा आ जाएगा, तो जावेद भी और राजा गया था बिस्किट लाने, तो फिर अभी चाय और बिस्किट खाएंगे और फिर आगे का प्लानिंग सोचेंगे, कहाँ चलना है, घूमने जाना है या नहीं जाना है, या सीधा सिल्लीगुड़ी जाना है, आएगा प्लानिंग दिखा, नहीं घूमना है ना है, लेकिन बारिश हो रहा है, क्या बोलूं, बारिश होता है, अरे चाय से मन भी कर रहा है, नहीं भी कर रहा, अब देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है, तो फिलहाल चाय पी लेते हैं, जब चाय वगैरह पी लिए चलते हैं सीधा रूम खोलते हैं, हाँ सुमन कन्नू के साथ बाय बाय बोलते हैं यहाँ इस रूम को होटल को, क्या जावेद भैया, हाँ अब सीधा जाना है, बाय बाय अलविदा। ऐसे तो एग्जैक्ट जगह पे घूमने जा नहीं रहे हैं, अब जहाँ जहाँ देखेंगे घूमने का जगह होगा वहीं गाड़ी रोक के थोड़ा प्लेस मिलेगा वहाँ रुक के घूमेंगे, और क्या, वहीं तो गाड़ी लगा के साइड में घूम लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है ना, कहीं घूम ही नहीं पाएंगे, तो फिर अब चलेंगे सीधा सिल्लीगुड़ी, और कुछ ऐसा था अपना रूम लास्ट बार देख लीजिए, हाँ और तब तक के लिए बाय बाय। रूम ठीक ठाक था, सोने में मज़ा आया, फिलहाल बैठ गए गाड़ी में और अब चलते हैं जहाँ सिटी सेंटर मॉल वहाँ रुकेंगे और वहीं थोड़ा घूमेंगे, अगर यहाँ नहीं रुके तो बारिश मतलब चल ही रहा है, देख लो भैया हम लोगों को कोई फायदा ही नहीं बारिश,
हालांकि बारिश में ही घुमा जाता है, लेकिन हम लोगों को बारिश में मजा ही नहीं आता क्योंकि बिहार में बारिश होता है थोड़ा कादो कीचड़ रहता है, इसीलिए बारिश में हम लोग को मजा नहीं आता। अंडा लगा हाँ, अब बारिश में कहाँ जाए नहीं जाए तो चलेंगे। ओ भाई साहब, यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, स्टेशन भी है, क्या क्या है इतना छोटा सा जगह में पता नहीं। देख लीजिए स्टेशन भाई, और कौन इंजन बोलता है जो पहले ट्रेन चलता था वो स्टीम। हाँ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन भी आगे लगा हुआ है भाई, यहाँ पे नहीं है सर दूसरा स्टेशन पे। गैस गैस से चल रहे हैं ये, गैस नहीं था कोयला से चलने वाला। कितना सुंदर बनाया है भाई, आ रहा है ट्रेन का आवाज आ गया भाई। भाई कितना छोटा है और कितना मस्त है भाई, बाहर निकलिए ना। इतना सा जगह पे स्टेशन देख लो भाई, कितना मस्त बनाया हुआ है। ये रेलवे स्टेशन है भाई, रुक तो नहीं पाए बारिश के कारण यार, कचरा कर। इससे घूमने में पता है कितना प्राइस है? इससे घूमने में प्राइस पता है कितना? कितना? 2200 रुपया। उसके बाद एक ट्रेन पे मतलब हर एक स्टॉप पे रुकता है। हाँ, हर एक स्टॉप पे। ओ, जहाँ जहाँ घूमने का जगह। ओ भाई यहाँ से व्यू देख लो आप लोग पीछे, भाई 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 पीछे व्यू देख लो आप लोग, वाह भाई पीछे पीछे पीछे, ये थोड़ा गाड़ी स्लो नहीं चला सकते भाई? भाई यहाँ से व्यू देखो भाई, क्या व्यू है भाई, पूरा लग रहा है बादल बादल क्या, और सामने पहाड़। कल शाम में आ रहे थे उतना तो दिखा नहीं क्या, और अभी फिलहाल देख लीजिए भाई। भाई यहाँ पे भाई ऊपर से पहाड़ का मलबा गिर गया था, जैसे टाइटैनिक का मलबा अंदर चल गया वैसे पहाड़ का मलबा गिर गया। और भाई यहाँ मतलब इतना स्ट्रीट रूल है, मतलब तुरंत आके साफ सफाई कर देता, वरना इतना किलोमीटर तक जाम। तो भाई अभी रुके हैं, मतलब एक लोकेशन भाई दिखाते हैं, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है भाई, क्या ही बताए भाई, व्यू देखो आप लोग भाई साहब। यहाँ से भाई लोकेशन चेक करो भाई, उधर पूरा चाय पत्ती का खदान, मतलब ये सब पूरा चाय पत्ती ही है। हाँ भाई कल तो शाम में दिखा नहीं पाए, लेकिन अभी गाइस चेक कीजिए कितना भौकाल लग रहा है ये सीन। हम लोग को वो एंडिंग पॉइंट पे जाना है, वहाँ पे सिल्लीगुड़ी भाई। एक लोकेशन यहाँ पे मिला था, यहाँ से मतलब पूरा व्यू दिख रहा था भाई, इतना मस्त लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा लिए हैं, और यहाँ से आप लोग व्यू चेक कीजिए बैक कैमरा से। भाई 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 हाँ, कितना मस्त लग रहा भाई, ये सब पूरा चाय पत्ती ही है, पूरा चाय पत्ती है ये सब। व्यू देख लो भाई यार, पूरा पहाड़ लगता है, कौन सा लग रहा भाई, तीसरा गोला पे आ गए हैं धरती से, दूसरे गोला पे हम लोग आ गए भाई साहब, व्हाट अ व्यू। तो फिलहाल राजा फोटोग्राफी कर रहा था, दो चार को फोटो यहाँ खिंचवा लिए, और हमारे सस्ता कैमरामैन राजा जी। राजा मज़ा आया यहाँ देख के, व्हाट अ व्यू भाई, यहाँ मन कर रहा है यहीं बैठ जाए भाई। फोटो वगैरह और एक दो को रील बना लिए हैं, जो जो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं सुमन संगम सिंह फॉलो कर लीजिए, और राइडर राजा ये बाइक वाइक का वीडियो बनाता है, राइडर राजा 786 इसको भी फॉलो कर लीजिए। और फिलहाल अभी जा रहे हैं, मतलब गाड़ी अपना मतलब वहाँ पे थोड़ा जाम वाम लग जाता तो इसीलिए गाड़ी अपना वहाँ पे लगाया है, और अब चलते हैं वहाँ गाड़ी में बैठेंगे, और अब कहीं रुकेंगे नहीं क्योंकि थोड़ा सिल्लीगुड़ी में भी थोड़ा घूमना है, तो अब चलते हैं। भाई पत्थर सब देख लो भाई, कितना बड़ा बड़ा पत्थर है वो भाई, भाई 100 आदमी उठाएगा फिर भी नहीं उठा पाएगा यार, इतना बड़ा पत्थर भाई। व्यू यार छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, ये देख लो घर कहाँ कहाँ पे बना हुआ है भाई, मेरा दिमाग घूम रहा है भाई, कैसे यहाँ पे घर वर सब चीज़ बना के रखा है ये लोग। ओ भाई साहब, तो फिलहाल अब चलते हैं गाड़ी में, और सीधा सिल्लीगुड़ी में रुकना है, सीधा सिल्लीगुड़ी में रुकना है। कैमरा लेके आ जाओ भाई, व्यू देख लो, बड़ा वाला कैमरा हो तब व्यू तगड़ा बनेगा। हेलो, कम से कम एक हफ्ता रुकना पड़ेगा, वन वीक रुको, पूरा एंजॉय ले लो। फिर बुरा तू प्यार से डर, तो अभी हमको क्या बोल रहे हैं, 12 बजे के लिए
भाई अभी झरना देखो यहाँ पे झरना भाई ऊपर जहाँ हम लोग थे ऊपर मतलब रात को स्टे किए थे। झरना दिखाए कहाँ से भाई? बगल में क्या है वहाँ से पानी गिरता है तो वो झरना यहाँ दिखाई। ये देखो भाई व्यू बोलते झरना यहाँ पे भाई गर्मी में तो नहाने में मजा आ जाएगा। तो भाई एक दूसरा लोकेशन यहाँ पे मिल चुका भाई झरना जहाँ हम लोग रात को स्टे किए थे वहीं से मतलब वहाँ का पानी यहाँ मतलब नीचे आ रहा भाई कितना सुंदर लग रहा है। गर्मी में आते तो और ज्यादा मजा आता नहाने में। तो फिलहाल आपको नजदीक से जाके ये झरना दिखाते हैं। भाई फिलहाल हम अभी जाते हुए आगे और राजा वहाँ पे एकदम बैठा हुआ है भाई। ये भाई चेक करो भाई साहब दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई इतना ज्यादा मजा और क्या ही बताए भाई। गर्मी रहता ना पक्का नहाते भाई पानी भी ठंडा और ऊपर से बारिश भी हो रहा है ठंड भी लग रहा भाई। भाई तो पूरा फोटो वगैरह खिंचवा लिए हैं और थोड़ा मोड़ा रील भी बना लिया बनेगा कि नहीं पता नहीं। और हमारे कैमरामैन जो हमारा फोटो खींचे A1 फोटो खींचा है भाई। और इधर कुछ भाई साहब ये व्यू भाई अगर लाइफ में अगर आप कभी भी दार्जिलिंग आते हो यहाँ तो मतलब रास्ते में ही झरना मिलेगा भाई यहाँ पे जरूर रुकिएगा भाई। और राजा जी फोटो खींच रहे हैं जल्दी खींचो ओके। तो भाई तो फिलहाल चलते हैं नाश्ता वगैरह करेंगे और गाड़ी में रुके। तो गाइस अभी फिलहाल रुके हैं मतलब सुबह से जो हम लोग निकले हैं 10 बजे कुछ फिलहाल वही कुरकुरे उड़कुरे तो वहाँ रुके झरना के पास तो बहुत ज़्यादा मजा आया। और गाड़ी अपना वहाँ पार्क है और फिलहाल हम लोग ऑर्डर लेंगे क्या ऑर्डर चिकन चावल चावल चिकन ही ऑर्डर दिए हैं तो फिलहाल आएगा और दिखाएंगे और यहाँ का भी स्वाद बताएंगे कैसा है। तो फिलहाल जावेद भाई अपना राय दीजिए कुछ झरना में कितना मजा आया। मजा तो बहुत ही आया भाई। नेक्स्ट टाइम आते हैं भाई आ चुका है अपना खाना चावल दाल और आलू का चिप्स आलू का चिप्स लाल मिर्च का मिक्स सलाद है। तो अभी खाते हैं और हम लोग कभी आ रहे हैं टेस्ट बता रहे हैं फिर टेस्ट बता रहे हैं भाई। अब खाना वाना खा लिए हैं पूरा पेट भर अब तो भर दिन भूख लगने वाला है ना। और हम लोग रुके थे यही देवराली रेस्टोरेंट में अगर आप आते हैं यहाँ तो सादा खाना भाई एक नंबर खिलाया। चिकन थोड़ा समझ में नहीं आया लेकिन सादा खाना एक नंबर खिलाया। तो अब चलते हैं सीधा घर। ओ घर नहीं सिल्लीगुड़ी सिल्लीगुड़ी अब निकल रहे हैं बाय बाय।